मीरा के काव्य की भावधारा का अजस्र प्रवाह उनके प्रिय गिरधर गोपाल के पुनीत प्रेम पयोधी की ओर ही उन्मुख दिखाई देता है। यद्यपि उनके समय में हिंदी काव्य में विविध भावधाराओं का समन्वित प्रवाह प्रवाहित था, जिसमें भक्ति, विरक्ति, प्रेम और श्रृंगार की धाराएं प्रमुख थीं, और मीरा का नारी सुलभ, कोमल एवं जिज्ञासु हृदय इन सभी की तरलता से थोड़ा बहुत सिक्त भी हुआ था, तथापि उनकी वृत्ति एकांततः एवं समग्रतः प्रेम माधुरी में ही पूर्णतः रमी। काव्य सर्जन न तो उनका साध्य था और न ही उनके साध्य कृष्ण साक्षात्कार का साधन। वह तो उनके हृदय से निकले सहज प्रेमोच्छ्वास का एक शाब्दिक रूप मात्र था, जिसे किसी सुनिश्चित और विशिष्ट सीमा में बद्ध नहीं किया जा सकता। लौकिक एवं सामाजिक परिवेश में उन्हें अपने तारुण्य एवं यौवन काल में जिन स्थितियों का साक्षात्कार करना पड़ा था, उन सबका कारण और परिणाम एक ही था, परमात्मा रूप कृष्ण के प्रति अनन्य आसक्ति, अनन्य भक्ति। इस प्रेमासक्ति का अंकुर बाल्यावस्था में ही उनके हृदय में फूट पड़ा था, जिसे उन्होंने जीवन रस की एक एक बूंद से सींच कर पल्लवित किया। प्रारंभ में वह नन्हा सा प्रेम पादप परिस्थितियों की आंधियों से दौलायमान होता हुआ भी अपनी मृदुता और सहज नमनशीलता के कारण सभी झकोरों को ऊपर ही ऊपर से निकल जाने देता रहा, किंतु ज्यों ज्यों प्रेम तरु परिपक्व होता गया, आंधियों के झकोरे भी भीषण तूफान बनकर उस पर आघात प्रत्याघात करने लगे। उन आघातों से विचलित होने का तो प्रश्न ही नहीं था, किंतु हर आघात की टकराहट से उत्पन्न होने वाली ध्वनि का सुना जाना भी स्वाभाविक था। स्पष्टतः मीरा की वाणी से प्रभु प्रेमाशक्ति के अतिरिक्त जो भी भाव निश्रित हुए हैं, वे युगीन परिस्थितियों के आघात प्रत्याघातों से उत्पन्न प्रतिध्वनि मात्र हैं। तात्पर्य यह है कि मीरा के काव्य की भावधारा मूलतः प्रेममयी है, भक्तिमयी है, किंतु एक ओर जहां उसके सहज प्रवाहमान रहने के पथ की शिलाओं से बाधा पहुंचने पर मूल नैसर्गिक स्वर से भिन्न ध्वनि अर्थात दैन्य, दुविधा, विद्रोह, रोष, विषाद, करुणा आदि की ध्वनि सुनाई देती है, तो दूसरी ओर उन अवरोधों का प्रतिकार करने की प्रवृत्ति भी आत्मविश्वास, निर्भीकता, दृढ़ आस्था एवं निश्चय आदि भावों के रूप में प्रकट हुई है। उनकी प्रेमोन्मुखी भावधारा जहाँ भक्तिसिक्त रूप माधुरी जन्य पूर्वराग एवं मिलन कल्पना की तन्मय गहनता से युक्त है, वहाँ यथाशीघ्र प्रिय अंक सिंधु में जाकर विलीन हो जाने की आकुलता के कारण उनमें यत्र तत्र विरह जन्य प्रतीक्षा एवं वेदना की उत्ताल तरंगे भी विद्यमान हैं। इस प्रकार मीरा की वाणी में अनायास उत्पन्न विविध भाव तरंगों से संपृक्त पुनीत प्रेम और भक्ति की धारा का ही अजस्र प्रवाह प्रवाहित है। मीरा के काव्य की भावधारा का विशद अवलोकन करते समय यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि यह धारा अकुल प्रवाहिनी होते हुए भी क्षीण आकार होने के कारण बड़े सीमित क्षेत्र में अग्रसर होती दिखाई देती है, किंतु फिर भी ये उथली नहीं है। इसका व्यास जितना परिमित है, इसकी गहनता उतनी ही अतल और गति उतनी ही उद्दाम है। शैशव काल में ही किसी दिन गिरधर गोपाल की मोहिनी मूर्ति देखकर मीरा का हृदय अनायास उस पर मुग्ध हो उठा और वह उनके चरणों में सर्वस्व समर्पित कर बैठी। या मोहन की मैं रूप लुभानी, सुंदर वदन कमल दल लोचन, बाकी चितवन मंद मुस्कानी। प्रथम दृष्टि में ही अनुराग का अंकुर फूट पड़ना तभी संभव है जब प्रिय की रूप छवि अत्यंत मोहक और आकर्षक हो। फिर मीरा की प्रिय तो दिव्य सौंदर्य धाम है, उन्हें अपने नैनों में बसा लेने की लालसा भला क्यों न होगी। और तभी मीरा कहती है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरति नैना बने विशाल। इस प्रकार मीरा के काव्य के प्रारंभिक भाव पूर्वानुराग एवं रूप चित्रण से युक्त हैं, जो धीरे धीरे पूर्ण प्रेम में परिणत हो जाते हैं। उनके अंग अंग में प्रेम रंग छलकने लगता है। प्रेम की यह भांग उन्हें स्वयं सांवरे गिरधर की देन प्रतीत होती है। सांवरी उमा ने भांग पिलाई, मेरी अखियां में लाली छाई। धीरे धीरे यह प्रेम अडिग आस्था का रूप धारण कर लेता है। प्रिय के बिना मीरा
किसी वस्तु की कामना नहीं करती। मीरा का यह आस्था भाव अनेक रूपों में उनकी वाणी में प्रकट हुआ है। एक स्थान पर उन्होंने एकमात्र संपत्ति उसी प्रिय प्रभु को मानते हुए कहा है, माई म्हारे निर्धन रोधन राम, दिन दिन प्रीति सवाई दूनी, समरण आठो याम, मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कमल विश्राम। प्रभु के प्रति अटूट आस्था की भावना हृदय में जागृत होने पर सांसारिक संबंधों का मिथ्यापन प्रतीत होना स्वाभाविक है। प्रेमी की समस्त वृत्तियाँ उसे अपने आराध्य की ओर ज्यों ज्यों प्रवृत्त करती है त्यों त्यों जगत के प्रति उसकी विरक्ति बढ़ती चली जाती है। तब उसकी वाणी संसार की नश्वरता एवं असारता का बहुविध बखान कर निवृत्ति मार्ग का अवलंबन ग्रहण करती है। मीरा का अंतर जगत भी इस पद से अपरिचित नहीं रहा। उन्होंने विभिन्न रूपों में संसार के प्रति अपनी उदासीनता व्यक्त की है। कभी वे जग एवं कुल परिवार के बंधन को झूठा कहकर प्रतिपल प्रभु के ध्यान में मग्न रहने की घोषणा करती है और कभी वे जीवन और यौवन की नश्वरता का उल्लेख कर सांसारिक विवाह बंधन को अस्वीकार करती है। धन जोबन दिन चार कारे जात न लागे बार, झूठे वर को क्या बरूंजी अधविच में तज जाए, वर बरला राम जी मरु चूड़ो अमर हो जाए। उनकी दृष्टि में राज्य वैभव मणिमाणिक्य एवं पाट पटंबर निरर्थक हैं। उनकी तुलना में प्रिय प्रेम की गोदड़ी कहीं अधिक मूल्यवान है। मीरा की इस वैराग्य भावना ने उन्हें लौकिक स्त्री पुरुषों से नितांत भिन्न व्यक्तित्व प्रदान किया। वे राजमहलों को छोड़ साधु संगति में रहना और बाह्य राजसी परिधान की अपेक्षा आंतरिक गुणों को धारण करना श्रेयस्कर समझने लगी। संसार की असारता से उत्पन्न विरक्ति ने मीरा की वाणी में यत्र तत्र दैन्य भावना का भी संचार किया है। भवसागर की भीषणता, कालपाश की जकड़न एवं सगे संबंधियों की स्वार्थ लिप्सा उन्हें दयाधाम प्रभु की शरण याचना के लिए विवश कर देती है। तुम सुनो दयाल म्हारी अर्जी, भवसागर से मैं बही जात हूँ, काढ़ो तो नाथ थारी मर्जी। बेग पधारो सांवरा कठिन बनी है, आप बिना मारो कौन धनी है। इससे पूर्व कि मीरा की अर्जी स्वीकार होती, सांसारिक समाज ने उनकी भक्ति यात्रा को और भी दुरूह बना दिया। प्रिय मिलन लोक को जाने वाले प्रेम भक्ति पथ पर उन्हें अनेक दुर्गम और भीषण घाटियां पार करनी पड़ी। कहीं लोक निंदा की खाई उनके आड़े आई तो कहीं स्वजन परिवार के मर्यादा प्रेमी लोगों द्वारा दी गई यातनाओं की चट्टानों ने उनका मार्ग अवरुद्ध करने का प्रयास किया। जिस प्रकार किसी साहसिक अभियान की ओर अग्रसर पथिक का मार्ग में अप्रत्याशित बाधा आ जाने पर थोड़ी देर के लिए रुककर सोचना एवं आगत बाधा के संबंध में चिंता प्रकट करना स्वाभाविक है, उसी प्रकार मीरा की वाणी से भी उनके अंतर्बाह्य संघर्ष की अभिव्यक्ति हुई है। ऐसे अवसरों पर उनकी कविता में रोष, विद्रोह तथा करुणा की भावना मुखरित हो उठी है। विद्रोह के भाव व्यक्त करते हुए वे कहती है, राणो म्हारो काई कर लेसी राज, मैं तो छोड़ी कुल की लाज, पगा तो बांध्या घूघरा जी हाता बनाया ताल। इसी प्रकार निर्भीकता व्यक्त करते हुए कहती है, सीसो दियो रूठो तुम्हारो काई कर लेसी, मैं तो गुण गोविंद का गास्या हुमाई। उनके आत्मविश्वास की झलक दिखाई देती है, माई मैं तो लियो री गोविंदो मोल, कोई कहे सोंगो कोई कहे मोहंगो, लियोरी तराजू तोल। प्रेम पथ की विकटता से उत्पन्न विकलता और अवसाद ने जहां मीरा को निर्भीक एवं स्वावलंबी बनने की प्रेरणा दी, वहां उसने उन्हें अनायास ही नियतिवादी भी बना दिया है और असाधारणताओं का उल्लेख करते हुए मीरा की वाणी में यत्र तत्र भाग्यवादी स्तर के रूप का भी चित्रण हुआ है। एक और संत भक्त जन का समाज से उपेक्षित होना और दूसरी ओर सज्जन घातक स्वार्थी कपटी लोगों का राज्य वैभव भोगना उन्हें भाग्य का ही प्रताप दिखाई देता है। वे कहती हैं, कर्म की गति न्यारी संतों, कर्मन की गति न्यारी। स्वयं उन्हें अपने ही जीवन में वैभव और दरिद्रता, महल और कुटिया के आरोह अवरोहों का साक्षात्कार करना पड़ता था, किंतु उनकी संतोष भावना और मस्ती नियतिवाद के स्वर से स्वर मिलाकर गूंजती रही।
दुविधा अथवा भाग्यवादिता का यह स्वर शीघ्र ही मंद पड़ गया, क्योंकि समस्त लौकिक बंधनों को त्याग कर जब मीरा वृंदावन आ गई तो वहाँ जैसे उनके सभी सपने साकार हो गए। राजमहलों की षड्यंत्रपूर्ण कलह द्वेषमयी परिस्थितियाँ, वहाँ बिताए गए बंदी जीवन जैसी घुटन और विधि निषेधों की जकड़न, सब कुछ मानो वृंदावन में आकर विस्मृत अतीत बन गया और मीरा प्रेम भक्ति का स्वच्छंद वातावरण पाकर उन्मुक्त हृदय से गा उठी, आलीरी माने लागे वृंदावननी को, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा दर्शन गोविंद जी को। इस ब्रज भाव ने मीरा को कृष्ण प्रेम की पगी गोपिका बना दिया और जिस प्रकार गोपियों का प्रेम कंचन कृष्ण वियोग की अग्नि में तप कर अधिक आभामय हो उठा था, उसी प्रकार गोपी रूपा मीरा की विरह भावना ने उसकी भक्ति की पूर्णता प्रदान की, उसको भक्ति की पूर्णता प्रदान की। यही विरह भावधारा मीरा की काव्य सरणी की सर्व प्रमुख धारा है, जिसमें निबज्जित होकर उसकी वाणी का एक एक शब्द आर्द्र तरल हो उठा है। मीराबाई की विरह भावना का कोई और छोर नहीं। पल पल प्रिय वियोग की कथा ने उनके हृदय में जब जब जो भी भाव स्फुरित किए हैं वे सहज ही उनकी वाणी से निसृत हुए हैं। कभी वे प्रिय की प्रतीक्षा में पूरी रैन जागते हुए व्यतीत कर देती हैं, तो कभी शून्य में टकटकी बांधे प्रिय का नाम रटते रटते दिन रात खड़ी रहती हैं, सखी हमारी नींद नसानी हो। विरह विदग्धा मीरा को प्रिय नाम रटन में आत्मसुख का अनुभव होते हुए भी चातक का पीपी शब्द नहीं सुहा था। जहाँ एकनिष्ठ प्रिय लीनता में बाधक होने वाला पपीहा विरहिणी प्रिया को खटकता है, वहीं प्रिय के चरणों तक ले जाने वाला कोई भी उनके लिए सम्मान्य है। पिया बिन सुनो छे झीमारो देश, ऐसा है कोई पिव को मिलावे तन मन करूँ सब पेश। और प्रिय दर्शना कुल मीरा का प्रत्येक दिन उसके चिर प्रतीक्षा का ही एक मार्मिक क्षण बनता चला जाता है। वास्तव में मीरा की प्यारे गिरधर गोपाल के प्रति यह तीव्र प्रेमाशक्ति और एकाग्र तन्मयता उनके काव्य का सर्वाधिक उज्ज्वल पक्ष है। यही उनकी अमूल्य भाव संपत्ति है और यही उनकी अनुभूति की गरिमा है। कहना ना होगा कि मीरा पदावली अनुभूति पक्ष या यूं कहें कि भाव पक्ष की दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध है।